Hi everyone, welcome to Easy Competitive Classes. In this video we will discuss about your general awareness series. Okay, so already aram hai data part discuss kori jo jothre hoche dekhi thebe to already 18 number question je ame cover up kori jo. Okay, to ethi video re hoche to part 3 jota rahibo. Okay, to 81 ro start hobo. Okay, so without wasting time let's start. To ethi kon dekhi dekho to 81 से कहे जे अरेंज करो कौन ना क्रोनोलॉजिकल गोटे ऑर्डर रे तो दिया है फर्स्ट ऑप्शन कौन ना बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो एंड सेकंड रे कौन दिया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अच्छी थर्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया देन फोर्थ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो एगुड़ाक हूँ क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर रे सजेबो तो ये गुड़ा सब प्राइली एस्टेब्लिशमेंट दृष्टि दि जाइए. ओके, तो किसी डाटा कही दूसरी जो गुड़ा ये इंपोर्टेंट रही है आप सपोज जमीका बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कथा जी देखा ये हूँ केवे एस्टाब्लीश होता ना समस्त जान 1890 एस्टाब्लीश होता तो कौ जगार भी होता दैट इज रोचे कोलकाता कोलकाता क्लीयर. तो से भाई जी देखिए तो जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रही ये भी कोलकाता होता जे कि खाली 1916 ये एस्टाब्लीश होता. ओके, से भाया जी देखा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पचारदेपर कौ जगह एस्टाब्लीश होता किंवा हेडक्वार्टर ठीक ना नहीं तो ये जी भी क्लीयरली भी आसे ये हूँ जानते हैं आप चेन्नई चेन्नई में कैसे 1962 होता ये कौटी ना चेन्नई में चेन्नई क्लियर. तो दैट इज आज जो देखा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जब आम देखा तो कौटी तरह यहाँ ना दैट इज रही है उत्तराखंड डेराडून रे. ओके, तो ये हूँ जो देख 1982 रे होता तो ओबियसली जब सजेगा तो कौटा आसीज ऑप्शन बी आसीज क्लीयर. तो आई होप ये हूँ यह भाया तो ये हूँ आप देखिए 4-5 क्वेश्चन हो कवर अप रोच क्लीयर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन कहुचे ना 82 ये कौन कह सिलेक्ट दि इनकरेक्ट ऑप्शन पचारि क्लीयरली. तो ये कौन पचारि ना इनकरेक्ट ऑप्शन एम भितर कौटा इनकरेक्ट तो कौन कौन दिखाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी दिखाई आउ तार हेडक्वार्टर किसी दिखाई. ओके, तो जमीक धरा जाओ आम देखा इंटरनेशनल ग्रीन पीस कथा दिखाई ग्रीन पीस आमस्टरडम तुम्हार कौन ना नेदरलैंड क्लियर. से भाया ऑप्शन बी जी देखा वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो फॉर नेचर तो दैट इज प्यारिश दिखाई तो एम भितर से मैचिंग करने कहे कौटा आईसीएन जो भाया देखिए ग्लैंड. ओके, देन जब देखा तुम यूएनईपी यूएनईपी कथा जी देखिए से नैरोबी दिखाई तो ये एम भितर कौटा इनकरेक्ट से पचारि समस्त जानते ग्रीन पीस रोटे ना ग्रीन पीस आमस्टरडम तो ये ऑब्वियसली जब देखिए ये हूँ ठीक अच्छे से भाया जब बी कथा देखा जे वर्ल्ड वाइड जो फंड ऑफ नेचर WWF कथा पचरा हो तो जब देखा ये तेल कौटी हे ना दैट इज ये रोचे समस्त जानते ये हूँ ग्लैंड रे ठीक ना नहीं जी एल ए एन डी. ओके, तो स्विट्जरलैंड जो अवस्थित तो ये हूँ रही है तो ऑब्वियसली जेहतु इनकरेक्ट कथ पचारि ये इनकरेक्ट ही आपर एनसर हो तो सी कथा देख तथा जानते आईसीएन बारंबार पचारि था जेनटा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये भी मतलब स्विट्जरलैंड ग्लैंड रे. ओके, तो यूएनईपी तो जानते समस्ते हूँ कौटे ना नैरोबी केनिया रे जोटा क्लियर. तो आई होप ये सब बेस्ट जिनस क्लीयर जदि भी न जानच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कौन केमतिका लॉजिकली माइंड भितर रखिपर लॉन्ग टर्म पे तो ताऊपर भी वीडियो कराई प्ले लिस्ट जाए चेक कर पारे. ओके, तो ये आंसर कौन हो ना बी होने जी आम देखा 83 कथा देख 83 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचराई है कौन ना द एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए जो कहुचे ना नहीं ईपीए एक्ट जो आप रहा 1986 हेज बीन पास्ड अंडर डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कौ संविधान कौ धारा अनुजाई पास हो क्लियर. तो आर्टिकल 250 251 252 253 एम का दूर कौटा हम आंसर तो समस्त ये जान आर्टिकल कौन ना 253
अच्छा डीपीएसपी की फंडामेंटल राइट हो तो एनवायरमेंटल जहाँ भी ऊपर प्रोटेक्शन ऊपर जहाँ भी रिलेटेड रही है तो ताको पॉलिटी डिस्कशन कर देछि। ओके तो देखि परबो तो एटा भी जदि पार्टिकुलरली भी जदि पचार जदि डेटटा भी हमें देखिबा 1986 रो जदि हमें डेटटा भी देखिबा तो डेटटा केबे आसी जेबो ना 19 तमर नवंबर 19 नवंबर ये होची डेट आसी जेबो। ओके तो ऑब्वियसली इठे होची आंसर जदि देखिबे डी हेबो क्लियर। तो सेइ बेले नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा तो ये आज एत डिस्कसन करेन कारण वीडियो लेंदी हो जाए। देन जी देखा 84 84 कौन कहुच्छे ना सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन कथा पचारि ये इनकरेक्ट ऑप्शन कौटा हाँ ना ऑप्शन ए रे दिखाई जि भी तुम रोचे रामकृष्ण कमिटी तो कमिटी किसी दिखाई लेफ्ट साइड देख। ओके तो राइट साइड किसी कम गुड़ा दिखाई कौन कमिटीटा कौन कम करा। ओके जी भी रामकृष्ण कमिटी डिसइनवेस्टमेंट कथा कहुच्छे तो ये भी गोटे गोटे क्वेश्चन। भगवती कमिटी जेटा कि तुम्हार एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम कथा कहुचे। देन राजा छेला जो कमिटी तो टैक्स रिफॉर्म उपरे काम करते। देन डी कथा होची धरिया कमिटी होची पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उपरे काम करते। तो एमानको भितर कोटा इनकरेक्ट कहिचे भूल कोटा होची। ओके तो सिंपल कथा जदि देखो ये भी ठीक अच्छे जदि देखो जी भी रामकृष्ण कमिटी तो ये हूँ डिसइनवेस्टमेंट उपरला से भाई जी भगवती कमिटी कथा देखो ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम उपरला दैट इज ये रोचे कौन ना अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर उपरला अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर उपरला। ओके पब्लिक वेलफेयर जो कौच वेलफेयर। ओके तो ये हूँ तो ऑब्वियसली आंसर हो बी आसी जीव तो माइंड रे भी रखी था ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन रही पे राजा चलिए जो कमिटी टैक्स रिफॉर्म उपरे। ओके एंड धरिया कमिटी हूँ आपर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उपरे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 85 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटिनी के म्यूटिनी तुम हेज फास्ट बीन टेकन तो एमान का भितर को म्यूटिनी तुम फास्ट होता यहाँ हूँ पचरा हो तो म्यूटिनी ऑफ 34th जो नेटिव इन्फेंट्री तो एंड 22nd बा 64th किंबा तुम्हारे ऑप्शन डी हूँ 37 कथा दिखाई तो ये हूँ किसी डिस्कसन सेमती देख तथापि तो कहीदे ये कमिटीटा 34th म्यूटिनटा के आसाला तुम 1844 तो आई होप ये क्लियर थी ठीक ना नहीं सेकेंडटा जी देखी थोड़ा ये के ना 1849 पाखापाखि आसाला जो आपर ये जी देखिए ये म्यूटिनटा के रही था ना 66टा जी जी देखिए तो दैट इज 49 आई होप ना 49 तो है तो ये हूँ 1850 पाखापाखि 1850 आउ जदि 37 तक कथा देखा 1852 पाखापाखि रही था क्लीयर। तो दैट इज ये जी देखो एम भितर कौटा प्रथम होता है मत कहो 44th हूँ प्रथम होता तो दैट इज रोचे ऑप्शन ए हो आंसर क्लीयर। तो 86 जी देखा आम से भाया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हेज नॉट अफेक्टेड विथ द कोल्हो जो म्यूटिनी कोल्हो रिवॉल्यूशन कोल्हो मानक जो अपराइजिंग होता तो कौ रीजनटा अफेक्ट हो नाला प्रभाव पड़ नाला जेटा कि टेक प्लेस होता जो कल म्यूटिनटा केवला ना 1831 कौन कर होता। ओके 1831 तो समस्ते जाच सीठी कौन ना जो मैंने भी देखी ना हिस्ट्री देख ट्राइबल अपराइजिंग क्लियर। तो सीठी क्लीयरली बहुत ये ब्रीफली डिस्कसन कर रिवोल्ट गोटे हुए कौन पर अपराइजिंग गोटे आसाला केमती क्लियर होता तो ये दिखाई कौन ऑप्शन है देख रांची सिंहभूम मयूरभंज एंड हजारीबाग क्लियर। तो एम भितर दे तो देख मुझे जो 1831 जिते बड़े से कही तो जिते बड़े भी होता तो कौ एरिया को इफेक्ट करता तो ऑब्वियसली रांची को इफेक्ट ही करा ही करा ठीक ना नहीं रांची को हो तुम सिंहभूम को हो हजारीबाग को हो सिंहभूम को हजारीबाग को हो आउ कौन थी आउ थ देख पालामू पालामू जो रीजनटा कथा कही ठीक ना नहीं पालामू आ मानभूम मान भूम क्लियर। तो यही रीजन घर प्राइले तुम हो म्यूटिनटा हूँ व्यापी था आउ जान जो लीडरटा कही बुद्ध भगत बुद्ध भगत क्लियर। तो यह सब कहुच देखिपर कि प्रोब्लेम नहीं रिभाइज भी हो। ओके तो सी कौन होता ना बुद्ध भगत हूँ ये इम्पोर्टाट लीडर मैं लीड करते इम्पोर्टाट तो दैट इज ये देख कौटा नॉट अफेक्टेड कोई मैंने मयूरभंज होन्सर सी हो। ओके
तो सही भाया जब आम देखा 87 कौन दिखाई देखो तो ये सिंपल कथा कहुई से अपराइजिंग उपर तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट कथ पचारि क्लीयर तो एमंक भितर इनकरेक्ट कथ खंड खंड जो कौच खंड अपराइजिंग होता तो चक्र विषय कथ कहे ओके देन हूँ सिंह रिवेलियन जो आपर तो निरांग पिंदु ओके निरांग फिंदु से भाया जदि कच रिवेलियन कथ कहे राव भारामल तो एमंक भितर कौटा इनकरेक्ट अच्छे भूल अच्छे कौटा ओके तो सिंपल इटे हूँ स्टेटमेंट एमती का तो डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन रोक ठीक ना ये जेहतु गोटे क्वेश्चन में दु तीन टा कभर करा तो से दृष्टि कहीदे मुझे तथा कहीदे ये सब देख ए सब देखिपर से भी अच्छे सब खंड खंड अपराइजिंगटा केत तो समस्त जानते प्राय 1837 रु आपण मानकर 1856 होता ठीक ना ये हूँ खंड अपराइजिंग होता तो इंपोर्टेंट लीडर किए थे चक्र विषय थे क्लियर तो इम्पोर्टेंट लीडर हूँ देख चक्र विषय थे से भाया जब सिंह रिवेलियन जी कथ देखा सिंह रिवेलियन टा भी पखापाखि से होता तुम 1831 रु 1843 पखापाखि जाए होता ओके तो से भाया जब कच रिवेलियन जो कच रिवेलियन कथ देखा ना अच्छा ये सिंह रिवेलियन रही नेताटा लीडर टा किए थे तो दैट इज ये रोचे निरंग फेन्दु थे ओके तो ये भी ठीक अच्छे जमी देखा कच रिवेलियन कथा ये भी राम भीम थे तो ये हूँ देख 1819 क्लीयर राव तुम भारामल जो क्लीयर तो ओबियसली सब गोटा ठीक ही अच्छे ओके ये किसी ना तो ऑप्शन डी हो आपर ये एनसर ओके तो देन नेक्स्ट देखा ये एट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कौन कहुई देख सिंपल दिखाई जो देख दिखाई ना सिलेक्ट कर कौन करेक्ट ऑप्शन कहे इनकरेक्ट कथ पचारा ये करेक्ट कथ पचारा तो फर्स्ट कर्नाटिक वार कथ कहुच्छे सेकंड कर्नाटिक वार थर्ड कर्नाटिक वार कथ तो ये सब ब्रीफली डिस्कशन मुझे क्लीयर तो हिस्ट्री लेक्चर जो मैंने देखी थोड़ा भी जानते तो बहुत ब्रीफली सब जिनस डिस्कसन कराई तो तथा तो देख फास्ट जो कर्नाटिक वार्डटा ये हूँ जो ट्रिटी तुम ये होता तो से ट्रिटीटा कौन थी तो दैट इज ट्रिटी अफ हूँ आक्सेला जो तुम ये कौन कहा क्लीयर ये हूँ से ट्रिटी सेकेंड जदि कथा देखा आम तो कौन टा तरी सेकेंड हूँ ट्रिटी अफ प्यारिस दीजिए केमती का सेकेंडा ट्रिटी अफ प्यारिस सेकेंडा तुम जी देख ये हूँ ट्रिटी अफ कौन थी पुंडिचेरी थी ट्रिटी अफ पुंडिचेरी थी पुंडिचेरी क्लीयर ये सेकेंडा था थर्डटा थी तुम ट्रिटी अफ प्यारिस ये जो थर्डटा था चेंज होके तो ये टू आउ थ्री हूँ भूल तो ओबियसली आंसर ए आसीजे तो ये केवेला कौन होता है ये सब डिस्कसन सरीचे ठीक ना नहीं देन नेक्स्ट जवा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच एम भितर कौ ऑप्शन टा करेक्टली मैच करूनी तो देखु थो रिसेंटली भी जहाँ भी आपर एग्जाम हो तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आसा हूँ कहार न्यू ईयर न्यू ईयर ऑफ मेघालय को कौन कहा जाए फेस्टिवल को क्लियर तो विशु जो फेस्टिवल लसत तो बारंबार भी पचारिचे ठीक ना तिब्बतियान विभिन्न परीक्षा देखिपारे आप क्वेश्चन आनालाइज करेंगे देन हूँ उगाड़ी तो ये देखो ये हूँ सिंपल गोटे कथा हूँ जदि देख एम भितर कौटा नॉट करेक्टली मैच कही तो सब गुटा ठीक अच्छे गोटे खाली तुम भूल ठीक अच्छे तो ये जो देखिए प्रथम देख जो कौन कह ना साजिबू तुम हूँ चेरिया बाजा कौन कह ओके तो ये हूँ तुम केवटकार ना ये मणिपुर जी न्यूज रे देखी थे मणिपुर क्लीयर आ रोचे ये सब ठीक अच्छे विश्व हूँ तुम हूँ केरला ठीक ना नहीं केरला लसार तो तिब्बत जाच समस्ते देन हूँ उगाड़ीटा हूँ तेलुगु न्यूयर को कह जाए क्लीयर तो आई होप ये हूँ ऑप्शन ए हूँ जेहतु इनकरेक्ट कथ पचारि नॉट करेक्टली मैच कथ पचारि तो करेक्टली मैच कले कौन हम न्यूयर ऑफ मणिपुर हम दैट इज क्लीयर मणिपुरी तो देन जो देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर नवंबर मासरे होची केउ पर्वटा पालन करा जाए दिखाई ओनाम दिखाई आंगला दिखाई पोंगल दिखाई एंड हूँ लद्दाख हार्वेस्ट हूँ फेस्टिवल क्लीयर तो एम भितर कौटा हम एनसर तो समस्त जाच ये लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवलटा जी आई होप देखी थो ये भी न्यूज रे ये कौन थी ना ये सेप्टेम्बर में तुम आपको रही था तो नवेम्बर कथा पचारा ही ना नहीं आउ जदि देख एम भितर कौन कौ फेस्टिवलटा हूँ नवेम्बर में पालन कर ये सेप्टेम्बर ओनामटा ओनाम भी समस्त जानते अगस्ट रही था ठीक ना नहीं ओनामटा हूँ अगस्ट रही था ओंगला जो कौच ओंगला हूँ नवेम्बर में होता है क्लीयर ओंगला नवेम्बर पोंगल तो समस्त जानते जानुरी जो मकर संक्रांति को खाली जस्ट पोंगल कह जाए सेपटे ठीक ना नहीं तो दैट इज ये रोचे जानुरी
जानुरी तो ओब्वियसली आंसर हो कौन हो ना ये सी हो ओके स्टेट वाइज आगे कहूनी कारण लेंदी हो देन 91 देखा ह्विज स्टेट और यूनियन टेरिटरी रैंक फास्ट क्लियर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ह्विज स्टेट और यूनियन टेरिटरी रैंक फास्ट इन टर्म ऑफ हूँ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर एज पर द लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिकल डाटा बा स्टैटिस्टिक्स डाटा अनुजाई जदि देखा आम 31st और 2021 डाटा अनुजाई जदि देखा लाटेस्ट तो कौटा हो तुम इनस्टल हो हाइड्रो पावर क्लियर तो रैंक वन रही है तो ऑब्वियसली समस्त ये जी जानी थे टॉप जी मुझ थ्री कथा भी कहीदे टे ना माइंड में आसीज यह सब जिन ओके तो देखो ये ये हो देखो हिमाचल प्रदेश आपंकर आंसर हो तो देखो प्रथम जी कह हिमाचल प्रदेश रानी थो डाटा अनुजाई जी कह सेकेंड हूँ उत्तराखंड ओके देन जी थर्ड देख कर्णाटक क्लियर के आर जाओ कर्णाटक क्लियर तो प्रथम जदि देख हिमाचल प्रदेश आसीज इनस्टल कैपासीटी अनुजाई जब देख हाइड्रो पावर देन हूँ जब देख उत्तराखंड आसीज देन हूँ आप किए ना कर्णाटक तो ऑब्वियसली इटे जेहेतु प्रथम रैंक किए जी पचारि जेहेतु क्वेश्चन ताले हिमाचल प्रदेश हे ओके तो आई होप ये हूँ क्लीयर हो तो सेमती किसी ना देन जी 92 92 रे कौन कह सिलेक्ट दी हूँ ऑप्शन रिलेटेड टू सेंटेंस गिवन बिलो तो गोटे गोटे देख ये स्टेटमेंट दिखाई तो यहाँ हूँ क्या इनके भितर आंसर क्या दर्शाऊ कहुच कथा ओके तो ये हूँ कौन बहुत इंपोर्टेंट कौन कह पढ़ा ना ए स्टेट दैट रैंक थर्ड जो गोटे राज्य देख जोटा कि थर्ड रैंक पाई कौपाई ना इन टर्म अफ हूँ इनस्टल कैपासीटी रिसीव कौन करना रिसीव कर जो तुम वेस्ट टू एनर्जी एज पर द लाटेस्ट एनर्जी स्टाटिस्टिकल डाटा अनुजाई कौटा तो क्या कथा हो स्टेट कथा कहा हो क्लीयर तो समस्त जानी थो जी टॉप थ्री जदि सॉरी जदि आम जब टॉप थ्री आकार देखा तेल यूनियन टेरिटरी जी दृष्टि भी देखा आम तो कौनटा आसीज ये वेस्ट टू एनर्जी कथा जेहेतु कहीदे तो ऑब्वियसली समस्त जानी थो देख टॉप थ्री जो कथा जी कह देखी थो जी रिपोर्ट रही दिल्ली तापर किए आस तुम तेलंगाना तेलंगाना तापर आसीज हूँ आंध्र आंध्र तो ऑब्वियसली हूँ टॉप्रे देख दिल्ली कथा आसी जाऊ ठीक ना नहीं किंतु किंतु वेस्ट टू जिते एनर्जी कथा आसी तो ये हूँ जो देख आंध्र कथा रोचे ओके तो कने ना दैट इज रोचे तुम थर्ड रैंक आसी प्रथम हेल्ला दिल्ली आसता तो ये ऑब्वियसली लिखाई कौन ना रैंक थर्ड कथा कहुचे ओके तो आंध्र प्रदेश ये आसीगला ओके देन जी आम नेक्स्ट कथ देखा कौन कह 93 क्वेश्चन ओके 93 देखो सिंपल क्वेश्चन ओके ये कौन कहा ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप थ्री इन टर्म हूँ लिग्नाइट रिजर्व एज पर अच्छा मुझे यार भी कदे तुम एनर्जी स्टैटिस्टिकल डाटा रो भी वीडियो अच्छे प्लेलिस्ट जाए देखिपर ओके किसी प्रोब्लेम नहीं तो लाटेस्ट डाटा अनुजाई पचरा हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग टॉप थ्री स्टेट इन टर्म हूँ लिग्नाइट रिजर्व एज पर द लाटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिकल डाटा ओके लिग्नाइट रिजर्व कथा कहा हो तो सिंपल लिग्नाइट रे जब टॉप थ्री कथा जब देखा मुझे ना तमिलनाडु आसीज फास्ट ठीक ना नहीं तमिलनाडु पर देखा राजस्थान आसीज सेकेंड रे देन जब देखिए आपंकर गुजरात आसीज तो बहुत इंपोर्टेंट क्लियर तो बहुत इंपोर्टेंट ये हूँ जब फास्ट आसीज ये हूँ सेकेंड ये हूँ थर्ड आसीज तो ये आंसर कौन हो जेहेतु टॉप अ सॉरी नॉट अमंग द हूँ टॉप थ्री कही तो एमंतर कौटा टॉप थ्री नुहे तो तमिलनाडु तो ऑब्वियसली फास्ट रही सेकेंड कौन कहले राजस्थान थर्ड हूँ कौन गुजरात तो नुहे कौटा ना दैट इज रोचे बी आंसर बी झारखंड हूँ ये ना ठीक ना ना से भाया जब देखा 94 को जी ओके तो ये देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहुच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच तो कौटे करेक्टली मैच करूनी ओके हिमाचल प्रदेश में गोटे हूँ एक नेशनल पार्क गुड़ा दि जाए और लोकेशन स्टेट वाइज दिखाई है ओके तो हिमाचल प्रदेश रो देखो हेमिस नेशनल पार्क दे दीजिए ओके देन जब भी देखा जम्मू काश्मीर हूँ डंचीगाम नेशनल पार्क बहुत फेमस तो नेशनल पार्क रो भी वीडियो अच्छे ओके तो स्टार्टिंग जिके बोली प्लेलिस्ट थी देखो तो सीठी भी कवर कराई सब जिन देन तेलंगाना हूँ मृगवाणी जो कह जाए ओके तेलंगाना रो तो नेशनल पार्क दैट इज मिजोराम रोचे तुम मुरलेन जो कौच नेशनल पार्क तो एमको भितर कौटा नॉट करेक्टली मैच इनकरेक्ट मैच होनी कही आउ तीन टा ठीक अच्छे गोटे ही मैच करूनी तो मत कौ जिनसा से
तो समस्ते जान यहाँ के हेमिश जो नेशनल पार्कटा जी कथा कह के तुम हिमाचल प्रदेश अच्छे कि ना दैट इज योर कौटी ना लदाख दैट इज योर लदाख में अच्छे क्लीयर आउ जम्मू काश्मीर डोंचीगामटा बहुत फेमस समस्ते जान कौन पाई भी फेमस सब मेनसन कर दे ठीक ना नहीं आउ यू ठीक रैट इज हूँ ये एनसर होके दे देख 95 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज हाईएस्ट टोटल एरिया ये किसी टाइगर रिजर्व दिखाई तो हाएस्ट कह रोचे तुम कौन कह दैट इज रोचे टोटल एरिया अनुजाई देख कौन कौन दे देख सिंपल दी कमलम कथ दिखे कमलम देन जो देखिए आपर कौन ना नामेरी क्लीयर नामेरी देन हूँ पेरियर देन हूँ डंपा तो एम भर हूँ देख एरिया वाइज तो ये हूँ डाटा कहीदे टी ना कामलंगटा हूँ देख कामलंगटा कौटे अच्छे ना कामलंगटा समस्त जानते हो अरुणाचल प्रदेश दैट इज हूँ अरुणाचल प्रदेश अच्छे तो एरिया के 783 तुम रोचे स्क्वायर किलोमीटर आसीजो ये ओके से भाया हूँ नामेरीटा जी देख नामेरीटा हूँ हाँ नामेरीटा हूँ आसाम ये अच्छे तुम नामेरीटा आसाम रे तो एरिया जी देख 344 स्क्वायर किलोमीटर आसीजो ओके तो से भाई जब पेरियर तो जानते समस्ते केरल रे ठीक ना नहीं केरल रे होचे पेरियर तो ये होचे आसीबो जदी पाखापाखी 925 स्क्वायर किलोमीटर क्लियर आउ डंपाटा कौ जगार ना मिजोराम रो ये भी बहुत इंपोर्टेंट मिजोराम रो ओके तो कौ जगार अच्छे लोकेशन फास्ट कथा ये क्वेश्चन रो तुम्हें जानी पकेल तो डायरेक्टली भी पचारे ये जिनस कहीहब ठीक ना टाइगर रिजर्व ये टाइगर रिजर्व कौ जगार होचे तो क्लीयरली पार आउ डंपाटा होचे 988 तुम स्क्वायर किलोमीटर ओके तो ऑब्वियसली कौटा हे मत कह हाइएस्ट जब देखो एम भितर ना ऑब्वियसली आंसर डी हो ओके देन जब देखो 96 कौन कहु किसी बुक दिखाई प्रथम देख ऑप्शन वन कौन दिखाई किसी बुक दिखाई रुस्किन बॉन्ड हैज रिसेंटली ऑथर द बुक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ हूँ इंडिपेंडेंस क्लियर एंड हूँ फास्ट कथा ये दिखाई ओके तो समस्ते जान देख सिंपल कथा ये तो एम भितर कौटा करेक्ट अच्छे ना नहीं ये तो ठीक कथा तो रुस्किन बॉन्ड जो बुक तो ये फेमस बुक एंड ऑथर बोली गोटे हूँ देखी थो वीडियो भी अच्छे बुक्स एंड ऑथर ये हूँ बहुत ब्रीफली डिस्कशन करी ये जिनस ओके रुस्किन बॉन्ड भी आउ जहाँ जहाँ भी बुक गुड़ा अच्छे जो जो गुड़ा एग्जाम इंपोर्टेंट तो ताको डिस्कस कर तो ऑब्वियसली ये हूँ आंसर ठीक अच्छे ओके देन जो देखा रशिया होचे राफेल नाडाल हेज रिसेंटली डिफिटेड होचे डानियल मेंडेव ऑफ जो स्पेन रो टू विन होचे मेन्स सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 क्लियर तो स्पेन रो जो राफेल नाडाल तो रिसेंटली जो देखो डानिश जो मेंडेव जो रशिया जी कि तो रही ये कथा से कहुचे क्लीयर तो ऑब्वियसली ये हूँ जो देखो ये नुहे तो दैट इज रोचे ये देखो आंसर ए हो किसी नहीं सिंपल कथा ओके तो 96 आंसर ए देन जो देखिए 97 ये भी देख दुईटा क्वेश्चन देखिए एम भितर कौटे इनकरेक्ट पचारिचे इनकरेक्ट पचारिचे ये कौन कहुचे देख दुईटा स्टेटमेंट दिखाई तो किसी स्टेटमेंट एमती आसबनी सिंपल ये भी गोटे क्वेश्चन ये भी गोटे क्वेश्चन क्लीयर गोटे नंबर दुईटा क्वेश्चन कवर कर देख कौन कहुचे पीएम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेज रिसेंटली हूँ लॉन्च दि ऑफिशियल मोबाइल जो एप्लीकेशन ऑफ द हूँ पार्लियामेंट डिजिटल संसद आप तो बहुत इंपोर्टेंट पार्लियामेंट डिजिटल संसद आप ओके तो ये कथा कहु सेकंड स्टेटमेंट कौन कहु ना इन दिस आप ये ना तुम कौन हम ना इनफर्मेसन एबाउट द बजेट स्पीचेज जहाँ भी बजेट स्पीच भाषण सब तो सिंस तुम कहते 1947 एज वेल एज द डिस्कशन ऑफ द हाउस फ्रॉम द 12th लोकसभा टू द 17th लोकसभा हेज बीन प्रोवाइडेड करता कहुचे क्लीयर तो प्रथमटा जी देख तो ये तो हूँ डिजिटल तुम संसद आप तो ये जब देख मत कह ये कौनटा थी डिजिटल संसद आपटा कथा जी मुझे कहि तो समस्ते जान जो लोकसभा जो स्पीकर किए ना ओम बिरला तो नामटा हूँ कौन ना ओम बिरला तो ओम बिरला हूँ ये जिनसा करेंगे ये ना तुम नरेन्द्र मोदी क्लीयर तो डिजिटल संसद आप क्लीयर तो ये कथा हूँ कह तो ऑब्वियसली ये हूँ आंसर ए आसीजो तुम हूँ जेहतु मुझे कहीदी से हूँ तुम कौन ना दैट इज रोचे प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी ना दैट इज रोचे लोकसभा स्पीकर हूँ ओम बिरला हूँ जिनसटा करके तो ये हूँ जेहतु इनकरेक्ट कथा पचारिचे
तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हिं सेटा था ठीक ना। देन 98 जो देखा एम भितर से कहे करेक्ट ऑप्शन कौटा, तो करेक्ट ऑप्शन ये पचारि तो ये सब करेक्ट इनकरेक्ट देखु थो। तो ये देखो ये भी गोटे क्वेश्चन, डॉक्टर भी अनंत नागेश्वरम हेज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ इकोनॉमिक तुम एडवाइजर। देन हूँ सेकेंड कथा कौन कह एन वेलन मराठी गोटे अथर जड़े बा सोशल एक्टिविस्ट जे कि डॉक्टर अनिल आउचाट ओके तो हेज बिन रिसेंटली पास हुए। तो ऑर्बिटर रे ये सब जिनस भी कवर करे ठीक ना। तो ये हूँ से कथा कह तो जो देखो ये हूँ कौटा ठीक कथा कहे तो दुईटा जो स्टेटमेंट होती है आप ठीक अच्छे किसी ये ना ओके। तो से टाइम जमी तो से अनुजाई देखा जी देन देखा आम 99 क्लीअर। तो आई होप ये हूँ क्लीअर रही थोड़ा सेमती किसी ना ना कारण आम सब जिन पूर्व भी कभर करूँ खाली ये रिमाइंड करदे कथा से जिनस को ओके। देन हूँ 99 देखो द डेस गवर्नमेंट हेज रिसेंटली अनाउंस दैट द कंट्रीज फास्ट ग्राफिन इनोवेशन सेंटर, कंट्रीर फास्ट ग्राफिन इनोवेशन सेंटर विल सून भी एस्टाब्लीश बाय द हूँ डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला इन डेस। तो जगार नाम पचारि तो कौ गवर्नमेंट हेज रिसेंटली अनाउंस कर तो कर्णाटक गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट तो जानवा दरकार। पुणी जदि भी होती से जिनसा कौ जगार होती तो ये कथ पचरा क्लीअर। तो ये डायरेक्ट हूँ केरला गवर्नमेंट करते क्लीअर आगे जगटा नाम कौन थी तो कौ जगार तुम हूँ घोषणा करते ना त्रिशूर ठारे ओके। तो त्रिशूर ठारे ये हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन रो तो किसी ओरिड हो नहीं। देन हूँ देखिए तो 100 ओके ये कौन कह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देख क्लीयरली सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हेज रिसेंटली बीन अवार्डेड हो प्रेस्टिजियस तुम इंटरनेशनल टी एक्स टू अवार्ड फॉर हूँ डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन। तो द्विगुण जो कर टाइगर पॉपुलेशन को से वन टाइप तुम जी देख ये कराई ओके। तो ऑब्वियसली जो देखो एम भितर पचारे देख डायरेक्ट ना तो कह ठीक अच्छे ना तो जेहेतु इनकरेक्ट कथ पचाराई तो ऑब्वियसली ये कौन हो। तो मुझे ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्वटा यहाँ हूँ कौ जगार तुम अवस्थित तो ईरोड डिस्ट्रिक्ट बहुत ब्रीफली डिस्कशन करी ईरोड डिस्ट्रिक्ट। ईरोड डिस्ट्रिक्ट कौटी दैट इज रही तमिलनाडु ना नहीं तो दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जे कि 2X तुम इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल TX2 अवार्ड हूँ तुम एचिव करना जेहतु टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ भी तुम रोज जेहतु ये इनकरेक्ट कथ पचाराई तो ऑप्शन नंबर ये जी देखो बीटा जो ओनली 2टा हे ये हूँ इनकरेक्ट ये तो करेक्ट अच्छे ठीक ना। तो ये हूँ भूटान रो हूँ बर्दिया नेशनल पार्क हेज बिन हूँ अवार्डेड फर हो देखी कौन ना डबलींग टाइगर पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली नहीं के भी तो प्रथमटा ही ठीक ना। तो ये सब भी करंट अफेयर जो प्ले लिस्ट अच्छे देखो तो ताऊपर भी डिस्कशन कराई सब आई होप एनवायरमेंटल जो लास्ट 10 मंथ करंट अफेयर तो सही ये सब कही ओके। तो आई होप ये हूँ ठीक अच्छे आउ भी सेमती नेक्स्ट हूँ 30 टा थोड़ा क्वेश्चन डिस्कसन करदे करेंट अफेयर सहित मिक्स रोज ओके। तो ठीक अच्छे जब भिडियो भूल लगे निज सांग सहित सेयार करूँ और चैनल को जब प्रथम थर पर भिजिट कर तो सब्सक्राइब करने भूलें ओके। तो आउ भी जेएस रही बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट भिडियो कि तुम इंग्लीश आओार हूँ मिक्स जो इंपोर्टेंट कनसेप्ट भिडियो जमीक MCQ टेकल करने को हेल्पफुल कर एग्जाम हल्ले तो तापर भी डिस्कशन करें तो प्ले लिस्ट से सब जाए देखिपर ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय।